पर्सनली मुझे ऐसे स्टाइल के वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद है। बैकग्राउंड ऐसा सिंपल सा हो, मैं नॉर्मली हाथ में माइक पकड़ के आप लोगों को कहानी सुना रहा हूँ। लेकिन क्या है ना कि भाई ज़माना एडवांस होता जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी अपडेट करते रहना पड़ता है। नहीं तो लोग समझते हैं कि भाई इसकी दुनिया रुक गई है क्या, बाकी दुनिया तो बहुत आगे बढ़ गई है। खैर, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आपको किस तरह के मेरे वीडियो पसंद है? इस तरह के बिल्कुल नेचुरल वाले, या फिर थोड़े ताम झाम बैकग्राउंड वाले माइक का सेटअप लगा के? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, ये तो हो गई थोड़ी सी नॉर्मल सी बात। अब शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो भैया, ये जो कहानी है ये सन 2018 में घटी थी। 2018 यानी कि समय हो गया आज से लगभग 6 साल पहले का। बिहार के गया नाम की जगह के पास एक छोटा सा गांव मौजूद, जिस गांव में 5 पक्के वाले दोस्त रहते थे। एक का नाम था विराज, एक का नाम था राजवीर, एक का नाम था आनंद, शुभ और रश्मि। ये 5 दोस्त थे भाई। ये ना बचपन से ही कहीं पर भी साथ में ही घूमने फिरने जाया करते थे। एक ही स्कूल में पढ़े थे, एक ही क्लास में भी। इसलिए इन लोगों की पसंद, इन लोगों के शौक, इन लोगों का रहने सहने का तरीका बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता था। काफ़ी समय से ये लोग ना अपने गांव के पास मौजूद एक पहाड़ी में जाने का प्लान बना रहे थे। बात ये थी कि उनके गांव के पास की तरफ जो पहाड़ी थी उसको लोग कहते थे कि एक हॉन्टेड यानी कि भूतिया पहाड़ी है, वहाँ पर ढेर सारी आत्माओं का वास रहता है। बचपन से ही इन 5ों को उस पहाड़ी में जाने का कभी मौका मिला ही नहीं था। जब कभी भी ये प्लानिंग बनाते थे, इनके घर वाले इनकी प्लानिंग में अड़ंगा डाल देते थे। लेकिन ये थे क्लास 10th में, एग्जाम वेग्जाम दे के रिजल्ट बढ़िया पा लिए थे। जी हाँ, 10th का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था। तो इन सभी के आज घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। इन्होंने सोचे कि अच्छा मौका है, अपने लिए गिफ्ट मांग लेते हैं। तो सभी लोगों ने मौका पा के रिजल्ट के साथ अपने घर वालों से उस पहाड़ी में जाने की परमिशन मांग ली। घर वालों ने बोले कि ठीक है, पहाड़ी में चले तो जाना, लेकिन कुछ भी हो जाए अंधेरा होने से पहले लौट आना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंधेरा हो जाए पूरी दुनिया में और वो तुम उस पहाड़ी में वहाँ पर वो भूतों के बीच में अपनी पिकनिक मनाते रहो। सभी लोग बहुत खुश हो गए, घर वालों को तो हुआ हुआ कर दिए। अंदर ही अंदर प्लान बना के रखे थे कि एक बार घर वाले हाँ तो बोल दे, हम क्या खाक अंधेरा होने से पहले आ रहे हैं, हम तो वहां पर भूतिया चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए ही जा रहे हैं, हम वहां पर समझने के लिए जा रहे हैं कि कहां पे कैसी भूतिया घटनाएं घटती है। तो ये सब तो रात के अंधेरे में ही पता चलेगा ना। घर वालों को बोल दिए कि जी हाँ, हम 4 बजे दोपहर में, मतलब शाम के 4 बजे हम लोग वहां के लिए निकल जा रहे हैं और 6 बजे से पहले पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि 4 बजे तो ये अपने गांव से थोड़ी आगे एक टाउन था, वहां के रेस्टोरेंट में जाएंगे, मस्त समोसे कचौड़ी खाएंगे, टाइम पास करेंगे और जब लगभग 6:30-7 का समय हो जाएगा तो ये पहाड़ी चढ़ना शुरू करेंगे। अपनी अपनी साइकिल उठाए और अपने गांव से बाहर उस टाउन में पहुंच गए। रेस्टोरेंट में बढ़िया वाला टाइम पास किए हैं, बढ़िया से बातचीत किए हैं। थोड़ा दिन भी हो गया था इन लोगों को मिले हुए, मतलब मिल तो बहुत रेगुलर रहे थे लेकिन ऐसा टाइम स्पेंड किए हुए, समोसे वमोसे दबाए हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बढ़िया पिए हैं। और फिर 7:10 के आसपास ये लोग उस टाउन से रिटर्न अपने गांव की तरफ बढ़े हैं। एग्जैक्टली गांव की तरफ नहीं, मतलब गांव के पास जो पहाड़ी थी उसके तरफ बढ़े हैं। अब भैया अपनी साइकिल उन्होंने उस पहाड़ी के सामने लगा दिए, अब इनकी चढ़ाई शुरू होने वाली थी। 7:20 के आसपास इन लोगों ने अपनी चढ़ाई शुरू किए हैं। कांचों के पास इनका मोबाइल था, मान लोते बाजू पास मोबाइल था और इन सब की जो मोबाइल की बैटरी थी वो आधे में थी समझ लो। इनमें से एक बंदा था जिसका नाम था आनंद, उसको ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो जहां कहीं भी ऐसी यूनिक जगह पर जाता तो फोटो खींचने लगता, वीडियो बनाने लगता। इस वजह से पहाड़ की आधी ही चढ़ाई हुई होगी इसका मोबाइल लगभग स्विच ऑफ होने की नौबत में आ गया। फिर इसने सबके मोबाइल ले लेके उनकी बैटरी भी डाउन कर दिया। ये लोग फाइनली 8:15 के आसपास पहाड़ की चोटी में पहुंच गए।
घर से बैक टू बैक फ़ोन आ रहे थे, लेकिन ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था एक बार फ़ोन उठा लेंगे तो फंस जाएंगे, फिर ना चाहकर भी हमको लौटना पड़ेगा, उससे अच्छा है फ़ोन ही मत उठाओ, थोड़ा टाइम पास करेंगे फिर लौट जाएंगे ना यार, घर पे जाके थोड़ी डांट भी खा लेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। भैया ये लोग वहाँ पर चोटी में जाके पहुँचे ही हैं, अपनी चटाई वटाई बिछाए हैं और कुछ तो भी बना के लाए थे, भेल वेल, उसका मतलब रेडीमेड सामान रेडी करके लेके आए थे और प्रॉपरली भेल रेडी कर ही रहे हैं खाने के लिए, कि अचानक से जो विराज नाम का लड़का था इस ग्रुप में उसको उल्टी होने लगती है, उल्टी करने लगता है। सब लोग घबरा जाते हैं कि विराज क्या हो गया, तू ठीक तो है ना, जब से अपन पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं तब से ही तेरी तबीयत देखने में कुछ ठीक नहीं लग रही है, अब तो तुझे उल्टी भी हो गई। विराज बड़ा ऐसा हताश होकर बोलते हैं, हाँ यार बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, अब घर तरफ चल ले क्या, वापस अब मन नहीं कर रहा, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो सारे दोस्तों ने बोले कि यार अगर ऐसा है, तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो 5-7 मिनट टाइम पास करने के बाद यहाँ से अपन लोग निकल लेंगे। विराज ने बोला कि ठीक है, भेल वेल आ गई है, भेल वेल खा लो फिर निकलेंगे। इन लोगों की भेल बन गई भैया, अब इन लोगों ने भेल खाना शुरू किए, लेकिन विराज का ऐसा है कि उसको कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा था, आधी भेल ख़त्म हुई होगी सब लोगों की, अचानक से ये इन लोगों को ना अपने आसपास से कोई अजीब सी स्मेल आई, ये किस चीज़ की स्मेल है, ऐसा करके ना इनका सबका मूड ख़राब हो गया। ये स्मेल बहुत तेज़ आई, अचानक से आई, अब कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उठ के थोड़ा फ्लैशलाइट जला के ढूंढने लगे, कुछ दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते इन लोगों को समझ में आया कि जो रश्मि है, रश्मि के पास एक टिफ़िन है, उसके टिफ़िन में रसगुल्ला है, उसके टिफ़िन से ही स्मेल आ रही है। इन लोगों ने बोले, यार ये टिफ़िन से स्मेल आ रही है, रश्मि तूने रसगुल्ला लाया है क्या, तू खोल के देख वो रसगुल्ला ठीक है कि नहीं, ख़राब खुराब तो नहीं हो गया। रश्मि ने भी उठाया और जैसे ही खोल के देखा है रसगुल्ले वाले टिफ़िन को, क्या पाया है कि अंदर जो 5-6 पीस रखे हुए थे रसगुल्ले के, उसमें से 3-4 पीस इतने गंदे तरीके से सड़ चुके हैं कि देख के ऐसा लग रहा है कि ना जाने कितने साल से इस डब्बे में पैक रहे होंगे, फंगस वगैरह भी लग गए हैं। तो इन लोगों को बड़ी हैरानी हुई, तू पागल हो गया रश्मि, इतने पुराने रसगुल्ले तू ऐसे डब्बे में रख के क्यों लाया है, या फिर तू कौन सा ये डब्बा उठाकर लेकर आ गया जिसमें ना जाने कितने समय से रसगुल्ले रखे हुए थे। रश्मि को बड़ी घिनाई, बोला रुको पहले मैं फेंकता हूँ फिर बात करता हूँ। वो साइड में गया रसगुल्लों को फेंका और फिर बोला, यार ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आज सुबह मैं खुद मिठाई की दुकान गया था और ताज़े रसगुल्ले मैं लेकर आया हूँ, सुबह से लेकर शाम तक में ये इतनी बुरी तरह से नहीं सड़ सकते कि देख के लगे कि ना जाने कितने सालों से इस डब्बे में रखे हो। इनफैक्ट यहाँ पे निकलने से पहले तो मैंने इन रसगुल्ले में से एक खाया भी था, पूरे नॉर्मल थे, और तुम लोग भी तो इतनी देर से हो ना भाई, स्मेल अपन को तो आई नहीं थी इतनी देर से। सब लोग सोचने लगे कि हाँ यार ये तो सही बोल रहा है, अभी तक तो स्मेल नहीं आ रही थी, कि अचानक से फिर से करके आवाज़ सुनाई दी, फिर ये पलट कर देखे तो फिर से विराज उल्टी कर रहा है। यार विराज की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्या, सबको ऐसा लगा। फिर क्या हुआ, इतने में राजवीर बोलता है कि अब अपन को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आज की पार्टी जो है, आज की जो पिकनिक है, वो अपनी पूरी रुइन हो गई है, उससे अच्छा अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं और घर तरफ निकलते हैं और कभी और अपना ऐसे पिकनिक का कहीं और का प्लान बनाएंगे। अचानक से इसमें से आनंद क्या कहता है कि ठीक है तुम लोग उठाओ आराम आराम से सामान, 2 मिनट मुझे ना हल्का होना है, वो झाड़ियाँ दिख रही है उधर तरफ से, मैं आता हूँ 2 मिनट तुम लोग सामान उठाओ। तो आनंद जिसका मोबाइल स्विच्ड ऑफ अब हो चुका था, सिर्फ आनंद का ही क्या, सबका मोबाइल स्विच्ड ऑफ हो गया था इनफैक्ट, क्योंकि आनंद ने सबके मोबाइल की बैटरी डाउन कर दिया था फोटो वीडियो बनाकर। ये बढ़ गया झाड़ियों के पीछे की तरफ हल्का होने के लिए। अब भैया इन लोग बैठे हुए हैं और धीरे धीरे अपना सामान भी उठा रहे हैं, 5 मिनट बीत गए, 7 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, वो आने को तैयार ही नहीं। राजवीर ने आवाज़ लगाया, आनंद आनंद भाई आजा, टाइम हो गया है, इतनी देर से क्या कर रहा है, इतनी क्या सुसू आ गई तुझे, क्या पे तालाब बनाएगा क्या। लेकिन नहीं, आनंद का कोई रिस्पांस नहीं आया। इन लोगों ने सोचे कि हो सकता है थोड़ी और आगे निकल गया होगा, क्योंकि आनंद थोड़ा सा ऐसा शर्मीले नेचर का भी है, ये सब मामलों में दोस्तों के भी सामने इतनी जल्दी ऐसे जाता नहीं है, तो थोड़ा और आगे निकल गया होगा। इन लोगों ने अपना सारा सामान जमा कर लिए और ये पाए कि आनंद को गए हुए तो अब तक लगभग लगभग 25 मिनट हो चुके हैं। अब इनको थोड़ी घबराहट हुई, अब क्या करें,
अब फ्लैशलाइट वगैरह भी किसी का बचा नहीं हुआ है भाई, सबका मोबाइल बंद हो चुका है, बस एक ही मोबाइल चालू था जिस मोबाइल से इन लोगों ने वो स्मेल को ढूंढे थे, वो भी बंद हो चुका है। अब ढूंढने तो जाना पड़ेगा, आनंद इतनी देर से गया तो गया कहाँ पर। राजबीर ने शुभ से बोला कि शुभ चल भला अपन आनंद को देखकर आते हैं, रश्मि और विराज यहीं पर बैठेंगे। रश्मि तू ध्यान रखना, विराज की तबीयत ज़्यादा ख़राब लगे तो हमको आवाज़ लगाना, हम उसको देखकर आते हैं। पता नहीं ये क्या फ़ोटो वीडियो के चक्कर में करते रहता है यार, इन लोगों के दिमाग से उड़ गया था कि उसकी मोबाइल की बैटरी डाउन है। एक सेकंड के लिए मन में ऐसा आया भी था कि हो सकता है मोबाइल की बैटरी डाउन नहीं रही होगी, उसने ऐसे ही बोला होगा, अब ये उस तरफ जाके कुछ वीडियो फोटो बनाने लगा है, चलो देख के आते हैं। ये लोग उस झाड़ियों के पीछे तरफ बढ़ गए भाई। शुभ और राजवीर पूरे अंधेरे में बढ़ते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी इस आनंद का नामो निशान नहीं दिख रहा है। आवाज़ भी लगा रहे, आनंद चल यार बहुत लेट हो गई है, तू बहुत टाइम पास कर रहा है, कहाँ है आनंद, आनंद 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 बोल के ये लोग थक गए, लेकिन आनंद का कुछ अता पता नहीं। अब ये लोग चलते चलते पता नहीं कितना नीचे उतर गए, कितने ऊपर आ गए हैं, लेकिन जहाँ पर ये लोग अपनी चटाई बिठा के पिकनिक मना रहे थे वहाँ से ये लोग अब काफ़ी दूर चल चुके थे, इतना दूर कि पलट कर देखे तो समझ में भी नहीं आए कि हम लोग किस तरफ से आए हैं। कि इतने में एक सामने झाड़ी थी, उस झाड़ी के पीछे कुछ खचर खचर की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि पत्ते बिछ रहते हैं और उन पत्तों के ऊपर कोई चले, सूखे पत्तों के ऊपर, तो कैसी आवाज़ आएगी। वही आवाज़ अचानक से राजवीर और शुभ को आई, दोनों पलट कर देखे तो क्या पाए, उस पेड़ के पीछे की तरफ कोई तो खड़ा है, ये थोड़े दूर भी थे ना, तो आवाज़ लगाए, आनंद तू खड़ा है क्या वहाँ पर। तो वहाँ से सिर्फ मैं ही हूँ, इधर आओ। ये लोग सोचे कि अरे ये बड़े अजीब तरीके से बोल रहा है आनंद, अच्छा रुक हम लोग आ रहे, वैसे तू उधर क्यों खड़ा है। ऐसे बोलते बोलते ये लोग आगे बढ़ गए, उस पेड़ से अब ये लोग मुश्किल से मुश्किल 15 फीट की दूरी पर खड़े रहे होंगे। ये लोगों ने क्लियर देख लिए कि पेड़ के पीछे आनंद खड़ा है और इनको छुप छुप कर ऐसे देख रहा है। इन लोगों ने बोले आनंद तू ऐसी कौन सी मस्ती अब कर रहा है, चलना निकलते हैं यार, बहुत लेट हो गया है और वहाँ पर विराज की तबीयत भी ख़राब है, अपन लोग बहुत आगे आ चुके हैं। इसने जैसे ही ऐसा बोला है राजवीर ने, कि आनंद ने बड़ी पतली आवाज़ में बोला कि नहीं मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ, तुम मेरे साथ आओगे। ऐसा बोल के वो उस तरफ और आगे भागने लगा। ये लोग बड़े हैरान कि अरे इसको क्या हो गया, ऐसा क्यों बोला, हम लोग भी जाके देखते इसके पीछे पीछे। ये लोग भी उसके पीछे दौड़ना शुरू किए हैं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, पता नहीं किधर भागते भागते पहुंच गए भाई। लगभग 5-7 मिनट तक ये लोग भागते रहे। अचानक से इसी पहाड़ी बहुत बड़ी थी, इसी पहाड़ी में एक ऐसी झोपड़ी जैसी आई, एक पुरानी सी, उसके अंदर ये घुस गया पहले तो आनंद। ये दोनों भी उसके पीछे पीछे घुसे कि अरे भाई ये झोपड़ी में किधर लेकर आ गया। वो झोपड़ी भी अंदर से ऐसी थी कि वहाँ पे ढेर सारे पुराने पुराने सामान पड़े हुए थे, कुछ कुछ फर्नीचर्स भी, जैसे कि टूटी हुई कुर्सी, टूटा हुआ पलंग या अलमारी, कुछ ऐसे भी पड़े हुए थे। वो अचानक से अंदर घुस के किस चीज़ के पीछे झुक गया दिखाई नहीं दे रहा था। शुभ चिल्लाता है अरे भाई तू किधर छुप गया है, क्यों नौटंकी मार रहा है, तुझे चलना है तो चल, वरना अब ये फाइनल डिसीजन है हमारा, हम वापस यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। उसने ये बात बोला ही है कि झटके से वो एक अलमारी के पीछे से ऐसा उठा है और बहुत गंदी तरीके से चिल्लाकर बोला है, तुम लोग क्या डिसाइड करोगे मैं बताता हूँ तुमको, तुम सब की सब मरोगे और तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा बोलकर फिर से करके चिल्लाया है भाई, और लिटरली वो ज़मीन से ऐसा 4-5 इंच ऊपर भी उठा चिल्लाते हुए और बेहोश होकर फाट से नीचे। अब जैसे ये बेहोश होकर गिरा ये दोनों घबरा गए कि अरे आनंद को क्या हो गया, चल 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 देखते हैं। राजबीर और शुभ फटाक से उसके पास गए, उसको उठाए हैं, वो बिल्कुल भी होश में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे करके अपने दोनों के कंधे के सपोर्ट से उसको लेकर इस झोपड़ी के बाहर निकले हैं। बाहर निकले हैं तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग कहाँ हैं और हमको कहाँ जाना है। ये लोग बाहर आकर आवाज़ भी लगाए, अरे रश्मि विराज हमारी आवाज़ आ रही है क्या, लेकिन वहाँ से कोई रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग रश्मि और विराज से काफ़ी दूर थे और ना जाने कितने देर का समय निकल भी चुका था। अब दोनों खड़े खड़े डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे हाथ में हाथ धरे खड़े नहीं रह सकते, इसका शरीर अब ठंडा पड़ रहा है और सांसें बहुत धीमी हो रही है, हमको चलना पड़ेगा,
अंदाज़ा मार मार के यहाँ से निकलना पड़ेगा। भैया ये दोनों उसको पकड़े पकड़े निकलना शुरू किए हैं, पूरा भगवान भरोसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ हम जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए, कुछ नहीं पता। चलते चलते आधे घंटे बीत गए, लिटरली आधे घंटे बाद पता नहीं कहाँ से इन लोगों को सामने से ना एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई दिया। ये लोग उस तरफ बढ़ गए, बोले अंकल जी हमको पहाड़ की चोटी की तरफ जाना है। थोड़ा समझा के बोले कि ऐसी ऐसी जगह है उस तरफ जाना है, तो रास्ता कहाँ से आप बता सकते हैं क्या? अंकल जी ने बोले ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाना, तुमको मिल जाएगा। इन लोगों ने अंकल जी को थैंक यू बोले और लिटरली उसी हिसाब से बढ़े हैं और ये लोग फाइनली वहाँ तक पहुँच गए, अपने उस चोटी तक पहुँच गए। उसके बाद ये लोग सीधे पहुँचे नीचे और फिर नीचे जाने के बाद डिसीज़न यही लिए कि सबसे पहले तो ये दोनों को, मतलब विराज को और आनंद को, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। तो जो नियरेस्ट वाला टाउन था, लिफ्ट मांग के, किस्मत से लिफ्ट मिल गई, लिफ्ट मांग के वो टाउन के हॉस्पिटल तक पहुँचे हैं और फिर वहाँ पे जाने के बाद मोबाइल चार्ज में लगाए हैं और अपने घर वालों को फ़ोन किए और बुलाया, बताया ऐसी ऐसी घटना हो गई। इनको डांट पड़नी थी वो तो तय थी, लेकिन एक और चीज़ इनको पता चली कि भैया जहाँ पर तुम लोग गए हुए थे ना, वहाँ पर उसके थोड़ी आगे ही तरफ एक औरत रहा करती थी जिसकी बेटी भी थी। वो दोनों को कहते थे लोग कि ये दोनों डायन हैं। पहले वो गांव में ही रहती थी, वो दोनों को गांव वालों ने भगा दिए थे वहाँ से। तो वो ऊपर उस पहाड़ की चोटी की तरफ जाकर एक छोटी सी झोपड़ी अपनी बना ली थी और वहाँ पर रहने लगी थी और वहाँ पर दुनिया भर के जादू टोने, ब्लैक मैजिक ये सब किया करती थी। कई जानवर वगैरह गायब हो जाते थे आसपास से, छोटे छोटे बच्चे भी गायब होते थे। एक दिन जब गांव वालों को पता चला कि ये जानवर और लोगों के गायब होने का कारण वो दोनों माँ बेटी हैं, तो गांव के लोग इकट्ठा हुए और उसके वो पहाड़ वाले घर में जाकर वो दोनों सहित रातों रात उनके घर को जला डाले। उसके बाद से वो दोनों की आत्मा उस पहाड़ में भटकती है, और केवल वो दोनों की ही नहीं बल्कि अब वो जगह काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड हो गई और काफ़ी सारे आत्माएँ भटकती है। जब ये बात इन लोगों को पता चली तो इन लोगों के कान से धुआं निकल गया डर के मारे कि ये तो हमको पता ही नहीं था, ये पता होता इतना डरावना इसका हिस्ट्री तो हम कभी जाते ही नहीं वहाँ पे। खैर अगली सुबह, जी हाँ सुबह, अपने इसको होश आया, किसको? आनंद को। विराज तो ठीक हो गया था, विराज को तो नॉर्मल उल्टी हो रही थी, तबीयत खराब थी, इसको होश आया। तो अब आनंद से पूछ रहे कि भाई तुझे क्या हो गया, थोड़ा बताएगा? तो आनंद बताता है कि भाई मैं तो हल्का होने के लिए झाड़ी के पीछे गया था, मैं हल्का हो ही रहा था कि मुझे मेरे पीछे की तरफ से किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा कौन लड़की है यार, मैं उसके तरफ गया और मैंने बोला उसे कंधे में हाथ ला के, हेलो आप कौन हैं और यहाँ पर बैठ के रो क्यों रही है? उसने अपना चेहरा उठाई तो उसके चेहरे पर ना बहुत सारे चोट के निशान थे। मैंने बोला कि आपको क्या हो गया, इतने चोट के निशान आपके चेहरे में कैसे आए? वो रोते रोते अचानक से मुंह बंद करी और झटके में मेरा गला पकड़ी है और मेरा गला पूरा निचोड़ने लगी और लिटरली मैं वहीं पर बेहोश हो गया। उसके बाद जब मेरी आँख खुली है तो मैं यहाँ पर था। तुम लोगों ने कुछ और भी देखे क्या मेरे साथ होता हुआ? बस भाई इन लोगों ने उस दिन कसम खा लिए कि आज तो चले गए थे, मतलब पिछली रात को तो चले गए थे, इसके बाद ज़िंदगी में कभी उस पहाड़ की तरफ नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए। तो पूरे गांव में पता चल गया कि ये पहाड़ एक्चुअल में हॉन्टेड है और इसके पीछे कोई अफवाह नहीं है और सभी लोगों ने उस पहाड़ी को बॉयकॉट कर दिए। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि राजवीर ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा और बोला कि पूरी दुनिया को बताइए और सभी का मनोरंजन कीजिए। इसी बात पर अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोज़ डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।